ओके सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस की एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। ये प्लगइन बेसिकली होता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप इंपोर्ट करने के लिए, और जब आपकी वेबसाइट बाय चांस क्रैश हो जाए या आपको रिस्टोर करनी हो तो आप उस बैकअप के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हो बैकअप को और अपनी वेबसाइट को वापस से दोबारा लाइव कर सकते हो। बट रिसेंटली एक अपडेट के बाद ये प्लगइन मीन्स ख़राब हो गई है। अक्सर लोग इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये प्लगइन स्टक हो जा रहा है कुछ परसेंटेज के बाद, या कभी कभी 100% पे दिस गेट्स स्टक। ओके सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, एंड वी विल सी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू। ओके सो एंड इफ़ यू वॉन्ट वीडियोज़ रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, देन ऑल्सो प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वॉन्ट वीडियोज़ रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, देन आई विल बी मेकिंग ए स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, ऑफ जी पी यू माइनिंग एज वेल एज सी पी यू माइनिंग। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो आप देख सकते हो कि ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, एंड जब आप बैकअप को इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट पर क्लिक करो तो आप देखोगे कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इज इक्वल टू 2 MB। सो ऑब्वियसली हमारा बैकअप का जो साइज होगा वो इतना तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले हमें बैकअप के को प्रॉपरली अपलोड करने के लिए फाइल साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अपलोड फाइल साइज को। तो आप अपने जो भी आपका कंट्रोल पैनल है, साइबर पैनल या सी पैनल या प्लेस्क जो भी है, उसमें आप पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। आप मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरा साइबर पैनल है तो मैं पीएचपी में गया, एडिट पीएचपी कॉन्फ़िग्स पे मैंने क्लिक करा। एंड देन आप चूज़ करोगे कि पीएचपी वर्जन कौन सा है आपका, जिस भी वर्जन पे आपने अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल किया हुआ होगा। ओके तो उसके बाद ये आपको दिखाएगा कि मेमोरी लिमिट इसकी 128 MB, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम 30 एंड मैक्सिमम इनपुट टाइम 60 एंड अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज इज इक्वल टू 2 MB। तो या आप अपने जो जितना भी आपका बैकअप का साइज है उससे ज़्यादा वैल्यू डाल दो। सपोज आपका बैकअप 500 MB का है तो आप यहाँ 600 या 700 MB डाल दो। ओके सो मेरा बैकअप 100 MB समथिंग में है तो मैंने 200 डाल दिया। ओके और यहाँ पे मैंने 300 डाल दिया। ओके इसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, एंड देन रीस्टार्ट पीएचपी। रीस्टार्ट पीएचपी इज मस्ट बिकॉज उसी से आपका यहाँ पर जो अपडेट होगी वैल्यू। ओके सो यहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करो। सो यू कैन सी आप यहाँ पर अब हमारा मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 200 MB हो चुका है। ओके सो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं फाइल वर्ड प्रेस बैकअप डॉट डब्ल्यू प्रेस। ये फाइल मैंने चूज करी, आप देख सकते हो अपलोड हो रही है एंड ये स्टक हो गई। अब ये इसके आगे नहीं बढ़ेगी बिकॉज ये जो अपडेट आई थी लास्ट ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन, उसमें ये मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि अपलोड जैसे ही करते हैं बैकअप तो या तो कुछ परसेंटेज पे आके वो स्टक हो जाता है या 100% पे आके स्टक हो जाता है, मतलब आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉप इंपोर्ट पे आप क्लिक करो। उसके बाद आपको जाना है सेम अपने डैशबोर्ड में, जो भी आपकी होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है, सी पैनल या साइबर पैनल या प्लेस्क जो भी है, ठीक है। और उस ओके सो ये यहाँ पर है हमारा फाइल मैनेजर। सी पैनल में फाइल मैनेजर वहीं नीचे होता है, सी की तरह। और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप देख सकते हो आपको जाना है पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में, उसके बाद डब्ल्यूपी कंटेंट फोल्डर में। डब्ल्यूपी कंटेंट फोल्डर में आपको एक ये फोल्डर मिलेगा AI1WM बैकअप्स। इस फोल्डर में जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका बैकअप था उस बैकअप को आपको अपलोड कर देना है। ओके इस बैकअप को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओके और उसके बाद जब इस बैकअप को आप यहाँ अपलोड कर दोगे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करना है। इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करके डीएक्टिवेट पहले, उसके बाद अनइंस्टॉल, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लगइन दे रहा हूँ, वो प्लगइन आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। और फिर ओके सो आप देख सकते हो इस टाइम हमारी वेबसाइट जस्ट फ्रेश
दिख रही है, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है। एस सुन एज हम नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वेबसाइट जैसी दिखती है उस टाइप की वेबसाइट इस टाइम दिख रही है। ओके, एंड हमारे पास इस टाइम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, जो प्लगइन था वो हमने अनइंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी। ओके, सो अब यहाँ पर आके आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये एक प्रीमियम प्लगइन है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको इसे अपलोड करना है और इस फाइल को चूज़ कर लेना है। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से या तो मैं पूरा प्रोसीजर एक अपने ब्लॉग में लिख दूंगा, तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और सारा स्टेप्स भी लिखे होंगे। ओके, या फिर मैं डायरेक्ट प्लगइन का लिंक भी दे दूंगा। ओके, सो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है और इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है, एक्टिवेट प्लगइन। और मैं आपको बता दूँ, मैं जो बैकअप था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने, जहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया था कि फाइल मैनेजर में जाके जो AIWM नाम का फोल्डर था जिसमें आपको बैकअप अपलोड करने को कहा था, वहाँ पे मैं कर चुका। और ये मैंने प्रीमियम प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर। ये आपको एक देगा नोटिफिकेशन कि अपडेट करने की, प्लीज़ डोंट अपडेट। अगर आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया तो ये आपका वर्क नहीं करेगा फिर। ओके, आपको जस्ट इतनी देर के लिए रखना है अब तक आपकी वेबसाइट रिकवर ना हो जाए। ओके ओके सो अब आप ओके सो मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि पहले तो हमने फाइल मैनेजर में जाके AIWM फोल्डर में जाके बैकअप को अपलोड कर दिया। वहां पर अपनी होस्टिंग के सी पैनल या साइबर पैनल में जाके ओके, एंड उसके बाद वर्डप्रेस पे हम आए और वर्डप्रेस में हमने यहाँ पर इस प्लगइन को अपलोड कर दिया यहाँ से। ओके, ये इस प्लगइन को आप जब अपलोड कर दोगे तो क्योंकि आप वहाँ पर अपना बैकअप को अपलोड कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको बैकअप्स में बैकअप शो होगा। देखो, आप देख सकते हो ये मेरा बैकअप है जो मैंने वहाँ पर अपलोड किया था, और ये यहाँ पर शो हो रहा है। ये 2 महीने पुराना बैकअप है और इसका फाइल साइज इतना है। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हो इस टाइम मेरी वेबसाइट रिफ्रेश करके ऐसी दिख रही है, बिल्कुल प्लेन। और यहाँ से है ऑप्शन रीस्टोर का, रीस्टोर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये रीस्टोर का कंपेटिबिलिटी दिख रहा है। सो ये आपको पूछ रहा है कि अगर आपने इंपोर्ट किया तो सारा डेटा ओवरराइट हो जाएगा, आर यू श्योर? ओके, कंटिन्यू। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। या एक एडवाइस और, बाई चांस अगर आपका वर्डप्रेस में ये प्लगइन अपलोड ना हो, तो आप WP कंटेंट में प्लगइन के अंदर जाके भी प्लगइन को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, बिकॉज़ कुछ होस्टिंग्स जो होती हैं वो डायरेक्ट प्लगइन को अपलोड होने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करती हैं। तो इसलिए अगर बाई चांस आप ये वाला प्लगइन डायरेक्ट अपलोड ना कर पाओ वर्डप्रेस पे, तो आप अपनी होस्टिंग के पैनल में जाके फाइल मैनेजर में जाके WP कंटेंट में जो प्लगइन्स का फोल्डर होता है, उस प्लगइन के फोल्डर में भी इस प्लगइन को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। ओके, सो ये योर डाटा हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, सो हमारी वेबसाइट इम्पोर्ट हो चुकी है। लेट्स सी कि ये वापस आई नहीं आई। नाउ यू कैन सी आवर वेबसाइट इज़ बैक एंड ऑल द पेजेस आर वर्किंग फाइन, इट इज़ फुली फंक्शनल नाउ एंड यू कैन सी आवर वेबसाइट इज़ रिकवर्ड। ओके, सो इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। या एक चीज़ और, जब आपकी जो बैकअप होगा वो इम्पोर्ट हो जाएगा, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड था उससे लॉगिन नहीं होगा। आपका फिर जो लॉगिन होगा वो लॉगिन होगा आपका जो जो बैकअप था उस टाइम जो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड था उससे आपका लॉगिन होगा। ओके, एंड आपको अगर जानना है कि जो हमारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो बाई चांस हमसे मिस हो जाए तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको आई एक बटन में दे दूंगा। अगर आप इस तरह से नहीं लॉग इन कर पा रहे हो, अगर आपको नहीं याद है कि आपका बैकअप का पासवर्ड या यूज़र नेम क्या था, तो उसकी मैं वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा, या आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के डाल दूंगा। ओके, इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन आवर वेबसाइट फोरम MWEducator.com/forums। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क इट इन आवर वेबसाइट फोरम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू वॉन्ट वीडियोज़ ऑन एनी टॉपिक देन यू कैन मैंशन दैट इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक
थैंक यू सो मच।